कुमारी जी। अब उठ भी जाओ सपना बेटी, सुबह हो गई। सुबह के 7 बजे हैं राजकुमारी जी। उफ़ो शांता भाई, कितना प्यारा सपना देख रहे थे हम। महल के बाहर घूम रहे हैं, कितने लोग हमसे बातें कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं। ये कैसा सपना है? महल के बाहर की दुनिया हमारे लिए सपना ही तो है शांता भाई। छोड़िए वो सब बातें, लीजिए दूध पी लीजिए। दूध? शांता भाई आज तो हमें चाय पिला दीजिए ना प्लीज। प्लीज, आपको पता है ना चाय पीने की आपको इजाजत नहीं है। लो पकड़ो और फटाफट इसे खत्म कर दो। लो। शांता भाई चलने दो ना। आप रात रात भर टीवी देखती हैं। आपको मालूम है ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं? आचार्य जी आ चुकी हैं। आप जल्दी से तैयार होकर आ जाओ नहीं तो रानी माँ गुस्सा करेंगी। हाँ गुड मॉर्निंग रानी माँ। हुकुम सिंह, लगता है तुम आजकल सपना का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, बहुत लापरवाह होती जा रही है। पूरे 10 मिनट लेट आई है। आई एम सॉरी रानी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। जाओ, आचार्य जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विद्या ददाति विनयम् विनयात् यात्री पात्रताम् पात्रताम् धनोत्पत्ति धनोत्पत्ति दया धर्मार मोक्षति। अब बोलिए। विद्या ददाति विनयम् विनयात् यात्री पात्रताम्। नहीं होता हमसे। ये कुछ चेक्स हैं, साइन कर दो। अरे कित फंस गए हो तू हुकम सिंह, कित फंस गए हो तू। नाम हुकम सिंह और काम गुलामी और अभी साड़ी लुगाई की। अरे दौलत की खातिर हरियाणा छोड़ा, महल में आया तोती छोड़ी पतलून में आया। अरे किधर है तेरी दौलत? लानत है हुकम सिंह तेरे ऊपर, लानत है लानत है। आया मजा। आओ रायगढ़ की रानी जी। फिर वही बीड़ी लूंगी। तुम अपने हरियाणा का जाटपन नहीं छोड़ सकते। अरे शेर ने कितनी ही रबड़ी खिलाओ पर वो मांस खाना ना छोड़े। और फिर हम तो हरियाणा के जाट से। मुझे लगता है कि तुम राजकुमारी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। बोलो तो अभी छुटकारा दिला दें। उसकी मौत की नहीं जिंदगी की दुआ करो। अगर वो मर गई तो सरकार सारी रियासत अपने कब्जे में कर लेगी। कुछ भी कहो, मरने से पहले राजा को अक्कल आ गई, तभी तो तारे नाम उसने कुछ नहीं लिखा। लेकिन सपना के रूप में वो ऐसा बैरर चेक छोड़ गया जिसे हम रोज कैश करते हैं। वाह, ये बढ़िया बात कही से मारा जीवड़ा खुश कर दियो। जी चाहे तारे होठों को चूम लो। हटो, ये क्या कर रहे हो तुम? अब ये बात तारे मुंह से अच्छी ना लागे मारी रायगढ़ की रानी। हमसे अभी उबली हुई सब्जियां नहीं खाई जाती। हम एक पराठा नहीं खा सकते रानी माँ। तुम्हारी सेहत के लिए कौन सा खाना अच्छा है ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। चुपचाप खाओ। राजकुमारी जी
सपना बेटिया, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आलू का पराठा शांता भाई, आराम से खाओ। वाओ। मारी सपना बेटी, देख तारे लिए क्या लायो मैं। चोरी छिपे खाने के लिए पराठा लायो आलू का। देखा, हम भी पराठा ही खा रहे थे, शांता भाई लाई थी हमारे लिए। शांता भाई? हाँ, आपकी तरह ये भी हमारा बहुत ख्याल रखती है ना। ये भी तारा इतना ख्याल रखे है, मन्ने तो खबर ही नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, ये पराठा मैं खा लूंगा। नमक हराम, आलू के पराठे खिलावे से राजकुमारी ने, तभी तो मैं कहूं कि राजकुमारी की गालें गुलाबी गुलाबी कैसे हो गई से। आज के बाद जे मन्ने खबर मिली कि तूने राजकुमारी को चोरी छिपे कुछ खिलाया है, तो तारी खाल के जूते बनाकर तारे ही पैरों में डाल दूंगा। हुकम सिंह नाम है मारो। कैसी जिंदगी है बाबा, राजकुमारी होकर भी हम ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। आखिर रानी मां हमें बाहर क्यों नहीं जाने देती, क्यों हमें इस महल में कैद कर दिया है। जब से हमने होश संभाला है, हमने इस महल की चार दीवारी के बाहर कदम नहीं रखा। हम बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं बाबा, बाहर के लोगों से मिलना चाहते हैं। आप इस महल से बाहर जाएंगे राजकुमारी जी? हम बाहर जाएंगे, मगर कैसे? रानी माँ तो हमें जाने नहीं देंगी। अब मुझे रानी माँ की परवाह नहीं, मैं आपको इस महल से बाहर निकालूंगी। सच शांता भाई, बस एक बार हमें महल से बाहर निकाल दीजिए, हम वादा करते हैं जल्दी वापस आ जाएंगे। आओ मेरे साथ, आओ इस ट्रॉली में बैठ जाओ, जल्दी करो, सोचती कर बैठो। मेरे भाई देवीदास का पता लिखा है, बंबई में जाके उनसे मिलना। शांता भाई ये... कुछ मत बोलो, जाओ इस ट्रक में छुप जाओ, जल्दी से जाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा। जाओ। ताला आपने बंद किया था, सुबह आपने ही खोला, मुझे क्या मालूम। अगर किसी की जुबान से निकला कि राजकुमारी महल में नहीं है, तो मैं तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। जाओ दफा हो जाओ यहां से। ये क्या हो गया हुकुम सिंह, सपना कहां चली गई? यही तो मैं सोचूं कि पिंजरे की चाबी तुम्हारे पास से और ये मैना किधर उठ गई। दीवान जी अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो।
हमें राजकुमारी जिंदा वापस चाहिए।
बच मोड़ तो उस्ताद जी 5 मिनट हो गए इतनी लंबी डकार है? अपनी डकार है 5 मिनट आवे 10 मिनट आए डकार पे कोई अकटराए थोड़ी है अब अध्या सिंह और जवाब नहीं तेरा चिकन दा और कौन से खेत से लाता है यार उस्ताद जी चिकन खेतों में भी होते हैं और जमाना बदल गया है आजकल चिकन जो है खेत में होता तरकारी जो है पोल्ट्री फार्म में होती है सत श्री अकाल जी अच्छा बद्या सिंह चलते हैं वापसी में तेरा खाना फिर खाएंगे बच के मोड़ तो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी मैनू याद आए मेरे यार दी सत एक बात तो बताओ और दो पूछ तुमने कभी भूत देखा है मैंने हाँ भूत मेरे को देखने को आया करते थे अच्छा हाँ मैं भूतों को ट्यूशन देता था किस चीज की और दुनिया को डराने की और काय की अच्छा 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 एक बार एक 25 फुट लंबा भूत मेरे पास आया था मेरे से भी लंबा और 25 इंच नहीं 25 फुट मैं कह रहा हूँ अच्छा और दंद निकाल के मेरे साथ मखौल करने लगा और मैं यार चपेड़ मारी उसके सारे दंद बाहर आ गए ये तो सचमुच का भूत है ये चिमटेगा हमें और इसको बोल मैं मखौल कर रहा था मैं किसी भूत भूत को नहीं जानता आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं कौन कौन से कब्रिस्तान में नहीं नहीं मुझे बॉम्बे चुंगी तक लिफ्ट दे सकते हैं कुछ नीच की है देखिए मैं बहुत परेशान हूँ प्लीज गिव मी अ लिफ्ट यार और भूत अंग्रेजी बोलता है और तू कौन है भूत है क्या आदमी है जी आदमी हूँ तू भूत नहीं है भूत नहीं आदमी हूँ तो क्या मांग रहा है तू लिफ्ट वो ये कौन सा तरीका है लिफ्ट मांगने का जी मैं क्या करता घंटे भर से सवारी ढूंढ रहा हूँ कोई गाड़ी रुकती ही नहीं है तो मैंने सोचा ट्रक रोकने का यही एक तरीका है कि बीच रास्ते लेट जाओ और अगर मैं स्टीयरिंग पे लेट गया होता तो देखिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज गिव मी अ लिफ्ट एक ही चीज मिलेगी या माफी मिलेगी या लिफ्ट मिलेगी नहीं नहीं फिर मुझे लिफ्ट दे दीजिए तो बह जाओ मगर सुनो जी 10 रुपए लगेंगे ओए कोई भले पास जाओ ऐसे मत करो यार ये तो अच्छा हुआ मैं डरा नहीं अब तो भूतों से डर नहीं लगेगा ना रामखोर भूतों की बात करके भूतों को क्यों डराता है ओए ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है मैं भूल गया यहाँ से होती है ये तो ब्रेक है अच्छा हाँ। तो यहाँ से होती होगी बल्ले बल्ले लच्छो हाँ जी भावन कहता बम्बई आ गया है अच्छा जी और 10 रुपए भी ले लेना देखो लो ठीक है बच मोड़ तो बाऊजी ओ बाऊजी बॉम्बे आ गया कटो 10 रुपए उस्ताद जी धोखा बल्ले ओ बल्ले ओ इतना बड़ा फ्रेब ओए आगे से खुद गड्डी में चढ़ गया पीछे से जोरू को चढ़ा लिया ये मेरे साथ नहीं है जब मैं ट्रक पे चढ़ा तो पहले से वो वहां थी धर्मपाल को बेवकूफ बनाता है 10 रुपए खड़े अरे दो ना अपना भाड़ा तुम दो भाड़ा दो इतनी करो ये क्या चीज है 500 का नोट है ये मैंने पहले कभी नहीं देखा इससे बड़ा नहीं था छुट्टा निकालो छुट्टा वो क्या होता है पैण दे टके बताना छुट्टा क्या होता है ऐसा छुट्टा होता है ऐसा अरे चेंज 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 यार चेंज चलो अरे चंगा ही चल रहा और तू कैसे चले हैं और 10 रुपए कट दे क्या मुसीबत है जाओ वहां से छुट्टा करके लाओ यार छुट्टा और जल्दी करो है कमाल है जा भाई ओए पाऊ है मेरे नाल नहीं है तो की मेरे नाल है आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने हमें इस काबिल तो समझा अगर हम अपने ये सारे बर्तन भी बेच दें तो भी इतना नहीं जुटा पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद क्या मुसीबत है ये ले भाई ले इसका भी भाड़ा ले ले ये ले मैनू पता सी कुड़ी तेरे नाल है तुर फिटम सुनिए जी छुट्टा मिलेगा 500 का जी माफ कीजिए मैम साहब
हमारे पास 500 का छुट्टा नहीं है। अरे अपुन देता है ना, इधर तो आओ। आपके पास है 500 का छुट्टा? अरे इसकी क्या जरूरत है, तुझे कितना चाहिए? हमें तो बस 10 रुपए चाहिए वो किराए के पैसे। अरे उसको छोड़, तुझे कितना चाहिए? अरे अपुन देता है ना, कितने छुट्टे चाहिए बोल। इधर चलो, इधर चलो, इधर। ए भाई, अरे अपुन छुट्टा दे रहा ना भाई। ऐसे लोग क्या मुंह लगते हो तुम? जी वो हमें छुट्टा दे रहे थे। ठीक है, वो 10 ही रुपए की बात थी, भूल जाओ। और अब तुम यहाँ से जाओ। राम राम। सुनिए, भूल जाओ 10 रुपए, मैं भूल गया वो 10 रुपए। नहीं, वो हमें शहर में पहली बार आए, आप हमें हमारे अंकल के पास छोड़ देंगे प्लीज? पता है? हाँ पता है हमारे पास। ठीक है, आओ। तुम्हारे अंकल का एड्रेस क्या है? वही तो ढूंढ रहे हैं जी, मिल नहीं रहा। पता नहीं पर्स में रखा था। कुछ तो याद होगा, किस इलाके में रहते हैं जी? हमें कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं, तो फिर कहाँ जाओगी? पता नहीं। अरे अच्छा, मैं तुम्हें किसी होटल में छोड़ देता हूँ। ड्राइवर साहब एक काम करो। नहीं 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 जी, हम होटल में अकेले नहीं रहेंगे। तो फिर कहाँ रहोगी आप? हमें अपने घर रख लीजिए ना प्लीज। चालू है क्या ये? क्या कहा जी? देखो मेरा कोई घर वर नहीं है, मैं तो खुद किसी दोस्त के साथ रहता हूँ, मैं तुम्हें वहां कैसे ले जाऊं? फिर हम कहां जाएंगे जी, हम तो यहाँ किसी को नहीं जानते। अरे मैंने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। तुम रो रही हो? अरे देखो रो मत प्लीज, रोना मत, मुझे किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा रो मत प्लीज, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अरे ड्राइवर साहब एक काम करो, नेहरू नगर लो। जी हाँ साहब। ड्राइवर साहब वो अगले वाली गली पे राइट लेना। कितना हुआ? 32 रुपए साहब। 32 रुपए? फिर? अरे वहां से तो ये सरकार पेट्रोल का दाम क्या बढ़ाती है, टैक्सी भी मीटर बढ़ा देती है साहब, महंगाई तो बढ़ा देती है। ठीक है, अभी काम करो। ठीक है ये 32 क्या, तुम ये 40 नहीं ये 50 लो। 100 मीटर पर दाहिने पे एक नारी निकेतन है। हाँ। मैडम को बात छोड़। मालूम है साहब। मालूम है ना, और शराफत से नंबर नोट कर लिया मैंने। हाँ साहब। नौकरी मिल जाए और दीदी थी कॉल आ जाए, मजा आ जाए। हट। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम? हमें नींद आ गई तो आपने हमें उठाया भी नहीं, वहीं छोड़ के आ गए। देखो देखो भाई, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि तुम यहाँ नहीं रह सकती है। क्यों? अजीब लड़की है, समझती नहीं है। आज आप हमें रात्रि सभा में अपने यहाँ रहने दीजिए, प्रातःकालीन सभा में हम चले जाएंगे। दूरदर्शन से आई हो? देखो यहाँ कोई सभा ववा नहीं है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। हम आपके बहुत आभारी होंगे जी, बस एक ही रात की तो बात है। अरे तुम तो जबरदस्ती गले पड़ रही हो, साफ साफ सुन लो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। राम राम। किराए के 10 रुपए क्या दिए, आफत मोल ली, घर तक कहाँ पहुंची? जहां देखो वो 500 का नोट लेके खड़ी हो जाती है। अगली अरे सब क्या नाटक लगा, अरे कोई तुम्हें यहाँ देखेगा तो क्या कहेगा, जाओ यहाँ से यार। एक पता था देवीदास जी का, वो भी खो गया, अब हम कहाँ जाएंगे जी? हम यहीं सो जाएंगे। अरे क्यों मेरी बदनामी करवाने पे तुली हो? देखो मैं एक शरीफ आदमी हूँ, लोग यहाँ मेरी इज्जत करते हैं। हम भी आपकी इज्जत करेंगे जी। अरे तो इसका मतलब ये तो क्या मुसीबत है ये, कान खोल कर सुन लो, सुबह होने से पहले यहां से निकल जाना।
और तुम आ सो सकती हो। मैं ये इधर उधर क्या देख रही हो? आपके घर में टीवी नहीं है? टीवी क्यों? वो क्या है कि टीवी देखे बिना हमें नींद नहीं आती ना। लीजिए, लोगों को टीवी देखने के लिए नहीं है, इनको टीवी सोने के लिए चाहिए। टीवी ना हुआ कोई लोरी हो गई, कोई टीवी भी नहीं, जाके सो जाओ उधर, चलो उधर। टीवी देखना है? ओए, देखते क्या? लाइट बंद करो और सो जाओ, मुझे भी नींद आई है। ओह यार थक गए। अरे इधर क्या देख रही है? हमें भूख लगी है जी। ओ, अभी जाओ सो जाओ, सुबह खिला दूंगा। मगर खाना खाए बिना हमें नींद नहीं आएगी। ओ, सुबह किसका मुंह देख लिया था यार। ठहरो, देखता हूँ। सोने के लिए टीवी चाहिए, बिना खाए नींद नहीं आती। आदतें तो माशाल्लाह राजकुमारी जैसी हैं, हैं? वाह। लो, दो दिन के लिए घर क्या चला जाता हूँ, आनंद साहब पूरे घर का कबाड़ा कर देते। लुक एट दिस यार, बैठे फ्रिजर में भी कुछ नहीं है। प्लीज आप सो जाइए, मैं कल खिला दूंगा, कल। मगर हमें बहुत भूख लगी है। अरे अरे रोना नहीं, अरे अरे रोना नहीं, अरे रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। आओ मैं तुम्हें बाहर खिला देता हूँ। ए मुछार, अबे ए मुछ वाला, अबे तेरे को मुछ देना, तेरे पीछे वाला। अब पैसा दिया क्या? हाँ तो पैसा देना, तेरे बाप की दुकान है क्या? चला खड़े हैं। अबे चलना है यार, तू क्या छोकरी के बाप हाथ चला रहा है? तेरा हाथ आगे लंगड़े घोड़े का पैर पे। अरे चला तो रही हूँ, दिखता नहीं सही। आवाज करेगा तो तेरा सलेंडर काट लो साला। होशियारी करता है, क्या मंगता है तेरे को बोल। अरे एक प्लेट कलेजी बोला था। बना रहा कलेजी निकाल, चल बना रहा हूँ साहब। कलेजी तुम? अरे कब से एक प्लेट कीमे का ऑर्डर दिया, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं मिला। इसका कीमा बना रहा है, कब से सड़ रहा है यार। अरे एक प्लेट बन जाए तो दूसरी बनाओ ना भाई। अरे साहब में मिर्ची डाल, चल। अरे बहुत डाले दिए, सुबह बुमा बुम करेगा। अरे इसका बर्फ का फैक्ट्री है, बुमा बुम करेगा तो तेरे बाप का क्या जाता है? और इस वक्त बम्बई में सिर्फ रोड पे खाना मिलता है। साहब बोलो वहां से क्या मांगता है? एक पाव भाजी। दो प्लेट पाव भाजी देना। एक प्लेट पाव भाजी, एक प्लेट पाव भाजी बस का। मार्केट आप मार के खिलाएंगे? मार के मतलब वैसा मार के नहीं, क्या साहब नई नई शादी हुई है, इधर जो भी आता है मेरी भाषा मेरे स्टाइल देखकर थोड़ा चमकता है, बाद में उसको आदत पड़ जाती है। वो तुम्हारा हीरो ना, क्या नाम है उसका? अमिताभ बच्चन। वो भी इधर ही आता था पाव भाजी खाने को, अभी चार बन का तो इधर आने में शर्म आती है, तो ड्राइवर भेजता है। कल कितना माल लेके गए रहो? छह प्लेट, और उसके ड्राइवर ने साहब को हीरो का रोल भी ऑफर किया। बंडल कम थी माने तो पुलिस। अबे यार जल्दी प्लेट डालो यार। अरे देता है ना यार, ये लो। हां पाबी लो, पाबी लो, पाबी लो। हां ये लो। ये क्या है जी? ये जी मेरा कलेजा फ्राई है। नहीं वो हमें ना चिकन फ्राई और मटन फ्राई बहुत अच्छा लगता है। बाद में मेरा मटन फ्राई खा लेना, पहले ये खाओ। चिकन फ्राई, मटन फ्राई, सोने के लिए टीवी, खाए बगैर नींद नहीं आती। अब क्या हुआ? मिर्ची, मिर्ची लेके। मैं तो पहले बोला संभाल के बने, चल पानी निकाल ले। अरे मैं कहां से पानी लाऊंगा? अबे तो तू नहीं है तेरा बाप ने। अबे ये कलिया पल ले। ओ चल पार्सल बना इसका। अरे बेटा ना क्या कर दिया फिरा रहा है। और बोल कितना पैसा? ₹1 हटाना, चल ₹1। और रहने दे ₹500, जहाँ देखो ₹500 का नोट, और ₹500 का नोट का छोटा क्या मिलेगा ऐसी रेडी पे? क्या ये देखता क्या है बे? अबे ऐसा ऐसा क्या करता है? एक तो पानी उतार दिया, ऊपर से हुशियारी दिखाता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल पार्सल दे। हाँ देता है ना पार्सल। अब चलो ना। अरे साहब हम लोग क्या कड़का फकीर सुनने लग गया? 500 का नोट भपाता है, इधर 3000 का गल्ला आता है। यहाँ काने है ना मेरा, इसके 2000 की तो घड़ी कितने के? 2000 की है, चोर बाजार से लाया हूँ। आज तो बोला साला रात का को खुलता है। लीजिए अभी तक सो रहे हैं ये। ओ मैडम उठो। ओ ओ राजकुमारी जी उठिए, सुबह हो गई है, उठिए। आज हम दूध नहीं चाय पियेंगे। अच्छा और नाश्ते में क्या पेश करूं? ऑमलेट, टोस्ट, जूस, जैम, बढ़िया ही ऑर्डर देने वाली। चलो आप उठे। जी हाँ और आप भी उठिए और चलते बनिए, मैं चला नहाने। और हाँ मेरे पीछे दूध वाला आएगा, दूध ले लेना और चाय वहाँ बनाना। चाय बनाने तो मैं आती ही नहीं। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं जी। बेचारा जी। कोई बात नहीं, दूध ले लेना, चाय मैं बना दूंगा। और हाँ दरवाजा ऐसे ही मत खोलना, पहले नाम पूछना, फिर काम पूछना, फिर दरवाजा खोलना। जी। फंस गया। कौन है? जी राम भरोसे। क्या काम है? दूध देना है।
काहे रतिया जगाए दिया हमका काहे रतिया जग... हम सपना। किसका नाम है हमारा? ओ तुहार नाम है, वो कहाँ है? कौन? अरे तुम्हारे वो हाँ? वो नहा रहे हैं। ओ नहावत है। काहे रतिया जगाए दिया हमका काहे कितना? अरे एक लीटर, दुई लीटर, पांच लीटर। पांच 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 लीटर। तो फिर आप ऐसा करते हैं कि डब्बा ही पूरा छोड़ देते हैं। इमा पूरा पांच लीटर होई। पैसे कितने हुए? अरे पैसे का कोनो फिक्र मत करो, वो तो हम राज बाबा के खाते में लिख दई। काहे रतिया जगाई दिया हमका हमका जगाए के रे जी जिया तरसाए के सोई के लुटंगड़ी पसा। इतना सारा दूध क्यों? चाय बनानी है ना। चाय बनाने के लिए इतना ढेर सारा दूध क्यों? आप बस आग लगा दीजिए, आज हम चाय बना कर रहेंगे। हाँ आग तो लगा ही देंगे। ये 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 ये, ये क्या किया? अरे चाय में पत्ती तो डालनी पड़ेगी ना। ओ यार मैं तो पागल हो जाऊंगा, कहाँ से बना? कहाँ जा रहे हैं? बाहर। लेकिन चाय तो पीते जाइए। अरे बाहर में गई तुम्हारी चाय। अजीब आदमी है। कौन है? मैं हूँ। क्या काम है? अरे इडियट दरवाजा खोलो। तुम्हारे अंकल का नाम क्या है? देवीदास। देवीदास वहाँ टेलीफोन के साथ टेरिटरी पड़ी है, जितने भी देवीदास है उनको फोन करो और जब तुम्हें तुम्हारे अंकल देवीदास मिल जाए उनका पता लिखो, शाम को छोड़ दूंगा, समझे? जी। और हाँ जितने टेलीफोन करो उसको लिखो, उसके भी पैसे लगते हैं। बंद करो, बंद करो। ना गुस्सा। 6294। हेलो हेलो हेलो, देवीदास जी हैं? अब तू घर पे भी फोन करने लगी है? अरे कल मुही तू क्यों मेरे पति के पीछे हाथ धोके पड़ी है? डायन माँ मैं बंबई पहुंच गया हूँ, मेरी चिंता मत करना, दो तीन जगह बात चल रही है, उम्मीद है कि नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। तुम सीमा की शादी की चिंता मत करना, हाँ लड़के वालों से बात कर लेना। आनंद अपने काम के सिलसिले से पुणे आ गया है, वो सांस तो लेने दो यार, चाय खत्म नहीं की, बिल तुम पहले ले आए। अजीब शहर है ये, छुट्टा लेकर आओ अभी। एक टाइम बोल दिया शकर 14 रुपया किलो, 14 रुपया किलो, 14 रुपया किलो, 14 रुपया किलो, समझता नहीं? बाजार में 10 रुपया किलो मिलती है। अरे बाजार में मिलती है, मेरी दुकान है, मेरी शकर है, मैं पैसा लेता हूँ, मैं बेचता हूँ, तेरा मांगता तो ले, नहीं तो हवा की धूप पकड़ के निकल जा। अजीब धांधली है। धांधली है तो दिल्ली जा, कंप्लेंट कर, 15 साल में सुनेंगे तो जरा ना मेरे को सुनाने को। अच्छा चल दे, मुंह काला कर दे। मुंह काला कर? शकर खलास हो गई। वो पड़ी है ना उधर, वो खाली दिखती है नहीं। दिखती है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे मैं तेरे को दिख रहा हूँ मगर अभी हूँ नहीं, मैं दुकान पे नहीं हूँ, दुकान खाली है। और मैं? तू भी नहीं, हवा अंदर चल। अजीब दुकानदार है। चल। अरे यार अबे बाहर जाके बाहर लो, ये साला तेरा गिरा था क्या? मोहल्ले का आदमी है वो, इससे शाम को 2 रुपए ले ला, मेरा बहुत भेजा खा गया है। क्या क्या मांगता है? वो चूहा मारने की दवा है, दूध दे रहे हो क्या? नहीं नहीं उसके साथ में जो है। अरे वो बम्बई में बोले तो बस घोटाला हो जाता है, नाम बोल। सपना। सपना मैं नहीं बेचता हूँ। नहीं हमारा नाम है। तुम्हारा नाम है? तुम्हारा तुम्हारा नाम पूछा था क्या? फिर काय को नाम बताने का, उसका नाम बोल क्या है? दाल। अभी दाल का नाम बोल।
हम नहीं जानते जी। दाल का नाम नहीं मालूम, इसको नाम बता रहे। मूंग की, मसूर की, उड़द की, चने की, सब दे दीजिए। सब सब कितना? दो लीटर। लीटर? मैं इधर दाल पका के नहीं बेचता, ये को भटियार खाना नहीं है, किलो में मिलती है। अच्छा दो किलो दे दीजिए। दो किलो सब जी। चले दो किलो बंद सब। अच्छा तू इधर हाथ मत डाल, धमकी हो जाती है। हाथ दिखा तेरा, कुछ चुराया तो नहीं? मुखल हाँ बराबर है। और वो भी चाहिए? वो क्या नाम बोलना? वो जिसे पराठा बनाते हैं। पराठा? तो पराठे में से पर निकालो तो क्या बचता है? आटा। हाँ तो उसको आटा बोलते हैं, याद रहेगा? मैंने इधर स्कूल नहीं खोला है। ये आपकी दाल है। ये भी दे दीजिए। ये कितना? दो किलो। दो? तू हट के सड़। मैं समझता हूँ तेरे बस की बात नहीं है। ये कितना मांगता है तेरे को? दो किलो। दो किलो? ये दूध नहीं केला है, ये डजन में मिलता है। अच्छा दो डजन दे दीजिए। दो डजन है तो मालूम नहीं कहाँ से आ गए। और ये भी दो डजन दे दीजिए। हाँ जी दो डजन। तू क्या कर रहा है, तू गिनना है क्या? दो डजन वो। अबे वो अंगूर है, अंडा नहीं है माँ। वो मुकाम इधर है। ये किलो में मिलता है। किलो में मिलता है? अच्छा। ये किलो में मिलता है, ये लीटर में मिलता है, ये फोकट में मिलता है, ये उधार में मिलता है। पैसे? 65 किलो 12 डजन जी। नहीं 65 रुपए क्या यार, बोलना 65 रुपए 12 ने। तू किधर से है पहले बोल मेरे को। सामने के घर से। हमने तो 50 लाख है, कौन से घर से आई? वो राज रहते हैं ना। हाँ राज बाबू के घर से आई है तो पहले बोलने का था ना, मेरा दिमाग काहे को खराब कर दिया तूने। अच्छा तू जामा, मैं उसे खाते में लिख लूंगा, तू पैसा तेरे पास रख, इतने बड़े नोट का कुछ छुट्टा नहीं देगा तेरे को। अच्छा मैं तेरा सब सामान पैक करके फौरन घर भेज देता हूँ, जहाँ कुछ बोलना नहीं। और सुन सुन, ये मेरी तरफ से इनाम, इन बार खाना कल भी खाना तू। क्या सामान ला, नहीं तो कोई चुरा लेगा। चले सामान मन जाते, घबरा निकलना, अपने पहचान वाले चोरी करना मैं जरा कमती लगता है। चक्कर है जान छोड़ी भला टली। सोने के लिए टीवी चाहिए, टीवी। ला 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 ला। नहीं कहिए। अरे ये सब क्या है? हमें भूख लगी थी ना तो हम ये सब सामान ले आए। अरे भूख लगी थी तो महीने भर का राशन लेके आ गई? तुम क्या परमानेंटली सेटल होने आई हो? ये तो मेरे कपड़े हैं। हाँ अच्छी लगती हो ना। किससे कहा मेरे कपड़े पहनने को? डांटते क्यों है आप? डांटता क्यों मैं? वैसे तुम्हें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उसने हमसे पैसे नहीं लिए। क्यों? उसने कहा कि वो आपके खाते में लिख लेगा। खाता? हाँ वो 500 के नोट का छुटपा। ये 500 का नोट तो मेरा दीवाना निकाल लेगा। तुमने वो फोन किया? हाँ। वो मिले? नहीं। हाँ कहाँ मिलने वाले थे, मैं तो पहले ही जानता था। तुम जैसे लड़कियां घर में घुसने के लिए अलग अलग बहाने बनाती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। हाँ वो मैडम, मैं तो अपने अपॉइंटमेंट में जा रहा हूँ, लेकिन आपसे विनती है कि मेरा दोस्त आनंद आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाना। हाँ बहुत हो गया, सारा क्या दे दिया, सर पे चढ़ गई लड़की। बता सपना कहाँ गई है, बोल बोल कहाँ है सपना? नहीं मालूम। तू वो झूठ बोल रही है? बता कहाँ है सपना? नहीं मालूम। बोल कहाँ है सपना? तुझे मालूम है, तुझे सब कुछ मालूम है। क्या कर रहे हो? बोल ना, हट जा तू। ये क्या किया तुमने, पागल हो गए हो क्या? सिर्फ इसी को मालूम था सपना कहाँ गई है, और सपना के भाग जाने का मतलब समझते हो? मेरे हाथ से तो रियासत जाएगी ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। मत भूलो, पुलिस को आज भी तुम्हारी तलाश है। जब तक तुम इस महल में हो तब तक बचे हुए हो। सपना को ढूंढो, वरना जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। राजी
आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हम क्या करें, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे, मगर हमसे कोई ना कोई भूल हो ही जाती। आप हमें अच्छे इंसान लगे, हमने सोचा आपके पास हमें सहारा मिल जाएगा, लेकिन अब हम आपको अपनी सूरत कभी नहीं दिखाएंगे। हम जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। आपका जो हम पर खर्चा हुआ है उसके लिए हम ये 500 का नोट आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। रो रही हो? नहीं, बारिश का पानी है। अरे अच्छा काम करो, तुम चलो वापस घर चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे मैंने कहा ना घर चलो। हमें नहीं चलना। क्यों? आप डांटते बहुत है। मैं डांटता हूँ? मैं कहाँ डांटता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पानी बरस रहा है, घर वापस चलो। देखो ये बंबई शहर है, यहाँ उल्टे सीधे लोग भी बसते हैं, और फिर तुम बिल्कुल भीग गई हो, बीमार पड़ जाओगी। तुमने अपना नाम नहीं बताया। आपने कभी पूछा ही नहीं? नहीं पूछा? तुम्हारा नाम क्या है? सपना। सपना, ये रुमाल लो और मुंह पोछ लो। नजारा लगे ऐसे में बोलो मैं जाऊं कहां,
सावन महीना लगी है झड़ी, छत है न छतरी मुश्किल बड़ी। सावन महीना लगी है झड़ी, छत है न छतरी मुश्किल बड़ी। महीना लगी है झड़ी, छत है न छतरी मुश्किल बड़ी। सावन महीना लगी है झड़ी, छत है न छतरी मुश्किल बड़ी। कब से है तू मेरे पीछे पड़ी, लड़की है तू या कोई हथकड़ी। सावन महीना लगी है झड़ी, छत है न छतरी मुश्किल बड़ी। जरा जरा संभाल के। शाबाश। और ये रहा पानी। तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह जी? मेरा मतलब ये चीनी और ये पत्ती, दूध उबल रहा है और दूध उतना ही डालना जितना मैंने कहा। अच्छा। मैं चेंज करके आता हूँ। और हाँ, अगर कोई आए तो नाम और काम बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलना। कौन है लड़की? कौन है? घर तो मेरा ही है। तुम कौन हो? हम है जी। क्या काम है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, उल्टा तुम इसे कर रही हो। एक दरवाजा खोलो। हाँ बताइए। छोड़िए। आप कैसे हटाऊं दरवाजा? कौन है आप? चोर चोर। अरे मैं चोर नहीं हूँ। सुनिए जी। सुनिए, कोई चोर घुसा है। चोर? अबे ओ। पता नहीं किधर किधर। तुम हटो हटो पीछे दरवाजे। अभी देखता कौन है। अबे ओ। क्या भाई क्या काम है? अरे ये तो अपना आनंद है। आनंद। ये लड़की कौन है जो मेरे ही घर में मुझे चोर कह रही है? मेरा दोस्त है ये। ये तू लुंगी खोल रहा है या बांध रहा है? भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ओ ये सपना है। ये सपना है सपना। ये सपना नहीं है, हकीकत है। लुंगी बांध ले जल्दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तू गलत समझ रहा है। अरे गलत तो मैं आज से पहले समझ रहा था, मुझे क्या पता था तू मेरे पीछे ये गुल खिलाएगा। क्या सोचकर तेरी माँ ने भेजा था? और क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। इसने किसके कपड़े पहने हुए हैं? मेरे। और इसके कपड़े किसने पहने हुए हैं? वो अंदर है। अंदर है? राज तू ये क्या कर लेटा? क्या मेरा मतलब है, क्या कर बैठा?
मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी, ये तुझे क्या हो गया? तू और क्या कर रहा है यार? चल मैं तुम्हें समझाता हूँ। आनंद जी के लिए चाय ले आना। चल तू अंदर अंदर। चल बेशरम, उसके सामने अनाप शराब बोले जा रहा। तू बैठ, मैं समझाता हूँ। क्या बैठू लड़की के कपड़े यार, अब तो इस बिस्तर पे बैठना भी मेरे लिए पाप है। भगवान तूने ये दिन देखने से नंदा, 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 तू जानता मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तू जानता है ये बेसहारा लड़की है जिसे सहारे की जरूरत थी। मैंने सोचा हमें पका पकाया दो वक्का खाना मिल जाएगा। ये लड़की घर का सारा काम जानती है और वो काम करने के हमसे पैसे भी नहीं लेगी यार। और इसके लिए बहुत जरूरी था कि वो अपने कपड़े उतार कर तेरे कपड़े पहन लेती। और इसमें तेरी भलाई ये है कि तू इसे यहाँ से भगा दे, वरना तेरी पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या चल रहा है? तेरे पिताजी की आत्मा, भगवान उनकी आत्मा। अरे तू चल रहा है, ये गैस को ऐसे बंद करता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बंद हो गया तो बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया ये ऐसे बंद हो गया, नो प्रॉब्लम। अरे सपना, सपना, ये तो बेहोश हो गई। ये माँ तो नहीं बनने वाली यार, तुम कुछ भी बोल देते हो। सपना, इसका बदन तो तपरा है। तपरा है या कुछ बहाना है? पागलों जैसी बात मत करो, जाओ डॉक्टर को लेके आओ। मैं? ये लगाना जरूरी है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, अगर बुखार फिर भी ना उतरे तो ठंडे पानी की पट्टियां बार बार इसके माथे पे रखते रहना। डॉक्टर साहब, कोई दूसरी गड़बड़ तो नहीं है? आनंद सब ठीक है, सब ठीक। समझ गया। आप डॉक्टर साहब को छुड़ाइए प्लीज। मैं? थैंक यू डॉक्टर। आइए आइए डॉक्टर साहब, बैग मुझे दे दीजिए। बड़ा हल्का बैग है, कोई बात नहीं। हमें दो टाइम का बना बनाया खाना मिलेगा, हमारी सेवा करेगी। अब हमें सेवा करनी पड़ रही है इसकी। चुप। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट नर्स। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ हमारा दम घुटता है। दम घुटता है। दम घुटता है। मेरी, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं चाय लेकर आता हूं। देखो राज, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला या खैराती अस्पताल नहीं। मैं शाम को घर आऊं तो ये लड़की मुझे आने मिलने चाहिए, वरना माँ को खत लिख दूंगा। यार तू समझता नहीं है यार। I don't want any, तू समझता नहीं है। मेरी चाय कहाँ है? अंदर पड़ी है, जाकर ले लो। चाय कहाँ है? खाना बनाएगी, सेवा करेगी। तुझे क्या हो गया राज? वेक अप, ए उठो। राजकुमारी के जन्मदिन पर हमने इतने पत्रकारों को बुलाया है, उन्हें क्या कहेंगे? ये पत्रकार तो बाल की खाल निकालते हैं। अगर उन्हें जरा भी शक हो जाए कि राजकुमारी सपना महल में नहीं है तो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। किसी को कोई शक नहीं होगा जी, हम पत्रकारों से कह देंगे कि राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना जन्मदिन नहीं मना रही है। हुकम सिंह, हमें तो डर है कि कहीं राजकुमारी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। उसका सलामत रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धौलपुर गाँव में एक भैंस ने 60 लीटर दूध दिया। मिनिस्टर को करोड़ रुपए की रिश्वत। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई पुराना अखबार पढ़ रहा हूँ? अरे भैया, ऐसी खबरें तो रोज छपती है, कोई सनसनी खेज खबरें ले आओ, वरना मेरा अखबार बंद हो जाएगा। जाओ जाओ। 60 लीटर दूध। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, एक सनसनीखेज खबर लेकर आया हूँ।
जानते हो प्रिंस चार्ली और साइना में तलाक क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि साइना का किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। और जानते हो दूसरा आदमी कौन है? कौन है? अमिताभ बच्चन। क्या सही कह रहे हो तुम? त्रिपाठी जी, खबर छपने के लिए उसका सही होना जरूरी थोड़ा होता है। खबर जब तक छपी नहीं होती तब तक चूटी जितनी होती है जैसे छप जाती है हाथी जितनी हो जाती है। चूटी किसी को नजर नहीं आती, हाथी सबको नजर आता है। अब बोलिए। अरे यार तुम मेरा अखबार बंद करवाने पर क्यों तुले हुए हो? सर वो राजकुमारी की न्यूज का क्या करें, छापे या न छापे? नहीं, क्या फायदा, तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ। ओके सर। अपने आप को बहुत बड़े तिस्मार खान पत्रकार समझते हो। विदेशी प्रिंसेस की बजाय हमारी देशी प्रिंसेस का इंटरव्यू लाकर छापो तो हम माने। ये राजकुमारी है? ये राजकुमारी है? ये रायगढ़ की राजकुमारी है? ये रायगढ़ की राजकुमारी है। और ये राजकुमारी बीमार है? बीमार है। हंसो मत आनंद, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो इसका इंटरव्यू ले आओ। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, अगर मैं इस राजकुमारी के इंटरव्यू के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें लाऊं जहां की राजकुमारी खाना बना रही है, जहां की राजकुमारी झाड़ू कटका दे रही है, जहां की राजकुमारी कपड़े धो रही है, तो कैसा रहेगा? आनंद तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर अगर मैं ये सब ले आऊं तो? जो मांगोगे वो मिलेगा? तो फिर 10,000 रुपया एडवांस निकालिए। एडवांस नहीं देता मैं। तो ठीक है, 50,000 मैं किसी दूसरे अखबार वाले से ले लेता हूँ। देता हूँ। दीजिए दीजिए दीजिए, आपका काम हो गया त्रिपाठी जी, लाइए। पैसा निकालने में हमेशा परेशानी होती है, मैं आया इंटरव्यू लेकर और तस्वीरें लेकर। त्रिपाठी जी आपका काम हो गया। आना आनंद आना। हेलो, कौन आप? कौन? हुकम, हुकम सिंह। हुकम सिंह जी, मैं राजकुमारी सपना से बात करना चाहता हूँ। पर तुम कौन जी? मैं कोई भी हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि राजकुमारी सपना इस समय महल में नहीं है। पर तुम कहना क्या चाहो जी? कहना ये चाहता हूँ कि राजकुमारी सपना इस समय मेरे पास है। तुम्हारे पास? लेकिन हमें कैसे यकीन हो वे? जी कोई बात नहीं, मत करिए यकीन, कल अखबार में उसकी फोटो देख लेना, खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। कोई आदमी है, कह रहा है कि राजकुमारी उसके पास है। हेलो, हम महारानी रायगढ़ बोल रहे हैं। जी बोलिए बोलिए, आपको बोलने से कौन रोक सकता है? देखिए, आप जो भी हैं, राजकुमारी सपना को फौरन महल में वापस भेज दीजिए, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ये फोन कहाँ से आया होगा? तू चुप कर रानी, जाट बुद्धी को जरा सोचने दे, जरा सोचने दे। यस? अरे क्या काम है भाई? अरे आनंद, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? और ये हुलिया क्या बना रखा है? मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था। अच्छा, और फिर मैं सपना जी के लिए कुछ कपड़े और जूते वगैरह लेने गया था। हेलो, हम जा रहे हैं जी। ऐसा कैसे हो सकता है सपना जी? मतलब जी? आप इस शहर में अनजान हैं और ये शहर अनजान लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। राज, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? राज। मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ ठीक कह रहे, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक कह रहे आप। लेकिन वो सुबह तो आप? सुबह मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए अनाप शनाप बकता रहता हूँ। अच्छी लड़की है। देखिए सपना जी, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ, वादा करिए कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। जी जी, लेकिन 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 कुछ नहीं। देखिए, ये आपके बड़े भाई का हुक्म है कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। राज, चाय। इन्हें बिठाओ, चाय बना के लाता हूँ। चाय? और वाकई आनंद जी तो बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन इतना अच्छा हो कैसे गया? हाँ? नहीं, आप बैठिए बैठिए बैठिए, आप, मैं जरा हेल्प करता हूँ। आनंद, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तू एक ही दिन में इतना बदल गया? बात यह है कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज जब मैं दफ्तर जा रहा था तो मुझे एक ज्योतिषी मिला। उसने मुझे कहा, बच्चा आनंद, जिस लक्ष्मी का सपना तुम इतने दिनों से देख रहे हो, वो लक्ष्मी तुम्हारे घर पर बैठी हुई है। यानी ये कि जैसे मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैं समझ गया कि जिस लक्ष्मी की मुझे तलाश थी, वो सपना के रूप में मेरे घर पे बैठी हुई है। अब इस लक्ष्मी को जाने नहीं दूंगा। तू लक्ष्मी के पास बैठ, यानी सपना जी के पास बैठ। तू कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तू जा जा जा, जल्दी जा जा। आनंद जी कुछ बदले हुए लग रहे हैं। हाँ, मैंने कहता था कि मेरा दोस्त जबान का कड़वा है लेकिन दिल का अच्छा है। लेकिन अचानक ही कुछ अजीब कपड़े पहन के क्यों आ गए? उसे किसी जोश
उसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। लो आ गए। सपना जी गरम गरम चाय। थैंक यू। मेरी चाय अंदर पड़ी है, जाकर ले लो। आप मेरी चाय ले लीजिए। आप नहीं सपना जी, आप नहीं, आप नहीं। तुम ऐसा करो, ये चाय तुम ले लो। मैं चाय नहीं पीता। मत पियो, मत पियो। मैं चाय पी लेता हूँ और रसोई में पीता। आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। घर सेवा मिलेगा मेवा, घर सेवा मिलेगा मेवा, घर सेवा मिले। मेरी भी एक शर्ट इस्तेमाल कर दे। मैं क्या धोबी हूँ, अपने आप करो। क्यों, सपना के कपड़े इस्तेमाल कर सकता, मेरे नहीं कर सकता। वो एक राज, राज वो एक लड़की है, हमारी मेहमान है, उनके कपड़े इस्त्री करना हमारा धर्म है। अब जल्दी से अपनी चाय खत्म करो और उनके लिए चाय बनाओ। सपना जी उठने वाली है। सपना जी? हाँ जी। और मैं सोच रहा हूँ कि सपना जी को बंबई, मेरा मतलब है बंबई की सैर क्यों ना कराई जाए। कर सेवा मिले गमेवा, कर सेवा मिले गमेवा। थैंक गॉड हाथ जला, कपड़ा नहीं। भाई ये गोरेगांव का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है। गांव? गांव ऐसा होता है? हमने तो टीवी पे देखा था। अरे ये टीवी वाला गांव नहीं है, जैसे दिल्ली के पास गुड़गांव है, ऐसे बॉम्बे में एक गोरेगांव है। सबब है ये उपनगर। और टीवी वाले गांव और इस गांव में बहुत फर्क है। वहाँ सड़कें कच्ची होती हैं, यहाँ सड़कें पक्की होती हैं। वहाँ मकान कच्चे होते हैं, यहाँ मकान पक्के होते हैं। वहाँ पेड़ होते हैं, यहाँ बिजली के खंभे होते हैं। हमने कभी गांव देखा नहीं ना, हमारा गांव देखने का बहुत मन करता है। कभी गांव नहीं देखा? नहीं। Really? अरे तो हम दिखाएंगे गाँव। वो तुमने गाँव वाला गाना तो सुना ही होगा, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया गाँव के। आनंद कौन है? इधर इस तरफ। इतना प्यार पिया हुआ है क्या? उस आर्टिकल का क्या हुआ? कौन है? अरे कुछ नहीं, थोड़ा क्रैक है। जहाँ मुफ्त का खाना देखता है वही मुंह मार देता है। तुम खाओ ना यार। सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अरे यार तुम तो एडवांस भी ले मैंने कहा ना, थोड़ा सरका हुआ, बैठता कम है गिरता ज्यादा है। तुम खाओ ना, खाओ खाओ, नीचे देखकर खाओ। अच्छा मजाक कर लेते हो। आपको मैंने पहले कहीं देखा है? बिस्किट डबल रोटी खाना है। कैसा अजीब आदमी है ये। मैंने कहा ना थोड़ा सरका हुआ है, मैं इसे रवाना करके आता हूँ, नहीं तो वापस आ जाएगा। एक मिनट। क्या करते हैं आप? ये राजकुमारी है ना? हाँ राजकुमारी। इंटरव्यू लिया? इंटरव्यू लिया। तो ले रहा था, सुबह से बम्बई के होटलों में खिला रहा था, बम्बई घुमा रहा था। इंटरव्यू ले लूंगा तो ऑफिस चला आऊंगा।
तो मैं जाऊँ। माल पानी तो देते जाइए ना। क्यों 10,000 रुपए तो दिए थे? वो कम थे। निकालिए निकालिए। तुम बहुत पैसे लेते हो यार। लाइए टैक्सी का किराया। ये वो तो इंटरव्यू चाहिए तो जाइए, सर उधर नहीं, उधर से कूदना पड़ेगा, इधर से। Hi everybody, let's have some fun tonight. Are you ready? Hey you, come and dance with me. सारी बातें होती है बाय चांस, मुलाकातें होती है बाय चांस। ओके हनी, लेट्स डांस। दिल जिसका नाम ले तू उसको थाम ले, आहा आहा। हे मुँह से न बोल कुछ, आँखों से काम ले, आहा आहा। हे दिल जिसका नाम ले तू उसको थाम ले, आहा आहा। होती है पर चांस।
लड़की के पीछे कहा? अरे क्या हो रही? अरे अरे भाई बात क्या है? कौन कौन है आप लोग? अरे ये लोग हमारे पीछे बच्चों ना, मतलब कि हमारे पीछे क्यों? अरे ये क्या क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? छोड़ो मैं जाने दो। अरे ये क्या हो रहा है? ये अरे बच्चों लेकिन आनंद मुझे तो समझ में नहीं आया ये लोग थे कौन और उन्हें चाहिए क्या था? अरे गुंडे लोग थे और गुंडे लोगों का काम होता है खूबसूरत लड़कियों को छेड़ना और शरीफ लोगों का काम होता है अगर सिचुएशन हाथ से बाहर जाए तो वहाँ से भाग जाना, इसलिए हम भाग गए। तो मेरे ख्याल में हमें जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए इसके बारे में। नहीं जी, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, हम गाँव जा रहे हैं। गाँव? हाँ। अरे गाँव से तो मैं अभी आया हूँ, मैं फिर गाँव क्यों जाऊँ? तुम्हें गाँव नहीं जाना, मत जाओ, मगर हम बम्बई में नहीं रहने वाले। मैं और सपना जी तो गाँव जा रहे हैं। क्यों सपना जी? हम जरूर गाँव जाएंगे। सपना तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गई? हुकुम सिंह जी, सपना जिसके साथ गई है उसका पता चल गया है। कहाँ है? वो एक अखबार का रिपोर्टर है, उसका पता हमारे पास है। ए, क्या हुआ? ये कंपार्टमेंट हमारा नहीं हो सकता। यही है, यही तो है। ये तो हमारे नहीं है। बच्चों, तुम्हारे साथ कौन है? तुम किसके साथ हो? ये सब आपके हैं? खुदा के फजल व करम से। ये हमारी सीट पे बैठे हैं। आपका नाम लिखा है इस पर? सीट पर तो नहीं लिखा है, इस रिजर्वेशन स्लिप पर लिखा है, इसलिए इन बच्चों को जरा आप हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, क्योंकि हमें शुरू में झगड़ा करने की आदत नहीं है, बाद में कर लेंगे। चलो बच्चों जरा बैठ जाओ। सब आपके हैं? ये अल्लाह का करम है। अच्छा, छह घर पे भी हैं? छह घर पे भी हैं जी। आपको कहीं देखा है? जवानी में जब कोई दोषीता हमसे कहती थी कि आपको कहीं देखा है तो सुनने में बड़ा मजा आता था। आप आटा दाल बेचते हैं? आटा? नऊजु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अम्मा इतनी बेहुरमती, ये तो जूतों समेत आंखों में घुस रही है। अरे हम लखनवी नवाब हैं, हमने महल और बेगम के जेवरात के सिवा आज तक कुछ बेचा नहीं और आप कहती है मामा आटा बेचते हैं? लेकिन हम लोग। छोड़ो ना, माफी चाहते हैं। सॉरी। अब छोड़िए मियां, जाने दीजिए, माफ कीजिए। मामा आप कहती है तो हम छोड़ देते, वरना हम तो यहाँ खून की नदियाँ बहा देते पान के कच्चे की तरह। हाँ अरे मियां, ये बोर्ड नहीं पड़ा कि पान थूकना मना है? क्यों मना है? पान हमारा है, पैसे हमारे हैं, मुंह हमारा है, भूख हमारी है, थूकने वाले हम हैं, तो मना करने वाले तुम कौन है? मगर मियां, राष्ट्र संपत्ति नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? ये राष्ट्र की संपत्ति है। देखिए, सरकार हमारी है, उसकी संपत्ति हमारी है, और संपत्ति तो पति के तरह होती, किसी भी तरह इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा अच्छा, जो आपका दिल करे करे, मगर याद रखिए, मैं आपका नहीं, ये कमीज आपकी नहीं, ये पेंट आपकी नहीं, इसलिए थूकना है तो परे थूकिए। अच्छा, एक पान खिलाइए। शेजान अभी लीजिए। इस पान पे शेर याद आया है कि ये हुस्न वाले बड़े जालिम हैं, चैन से जीने नहीं देते। वाह, चैन से जीने। खुदा देता है पान खाने को, ये थूकने नहीं देते। वाह वाह वाह, खुदा पान खाने देता है, ये थूकने नहीं देते। ओ बुरा वाला घर। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? अरे वाह, क्या हाल है भैया? सड़के नहीं बदली जल्दी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, नजदीक लगता है यहाँ से। हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? आए हाँ जी, कैसे? ठीक ठाक। हाँ ओ माँ, माँ माँ देखो भैया आए हैं। आओ जी। अरे सीमा भैया, कैसे भैया? कैसी हो माँ? हाँ पाए लागू माँ। अरे इस बार तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। हाँ वो माँ, वो ये
सपना है, मेरे ऑफिस में काम करती है। इसने कहा कि हमने कभी गांव नहीं देखा, तो मैंने कहा हम अपना गांव दिखा देते हैं। मैंने वो गाना भी सुनाया था, वो कौन सा, गोरी तिरंगा। अरे दूर क्यों खड़ी हो बेटी, आओ ना पास। सपना है ये। अरे मेरे पाँव क्यों, माँ के पाँव। कितनी सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी लगती है। नहीं! क्या हुआ? गांव का भूत है? इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे क्या देख रही हो, इतनी दूर से आए, कुछ खिलाओ पिलाओ। हाँ हाँ, आओ बेटी आओ। हाँ लेके जाइए अंदर। अबे यार, ये तू क्या बार बार सपना की तस्वीर उतारता रहता है? अरे चीज ली है तो उसका इस्तेमाल करें कि नहीं? अब तुमने शर्ट लिया तो पहनी है कि नहीं? मैंने शर्ट लिया तो पहनी है। माफ कर यार, कुछ किया मैंने, माफ कर, माफ कर। रहने दो दीदी, ये सब काम शहर वालों के बस की बात नहीं है। लाओ मुझे दो, मैं जलाऊं। दीदी तुम्हें रोटी वोटी बनानी आती है या नहीं? तो बना के दिखाओ। क्या बात है माँ? बेटा तीन चार दिन पहले सीमा के ससुराल वाले आए थे। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे शादी जल्दी हो जानी चाहिए। और आपने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी है। बेटा जी, वो लोग दहेज मांग तो नहीं रहे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और आजकल की इस महंगाई में शादी के खर्चे, इतना रुपया आएगा कहाँ से? माँ तू पैसों की चिंता मत कर, उसका इंतजाम हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं। वो तो मुझ पर छोड़ देना माँ, कुछ कर लेंगे बेटा हम लोग। तू मुझे क्या गैर समझती है माँ? बचपन से इस घर में पला हूँ, माँ का बहन का प्यार मिला है, क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकता राज? ये क्या ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना दिया? बेचारी जानती नहीं है ना, एक भारत का बना के दिखाओ ना। दीदी कहीं ऐसी रोटी अपने घर वाले को बना के मत खिला देना। ओ आनंद बाबू, राजकुमारी को महल तक पहुंचाने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। दिए आनंद बाबू दिए। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ धोखा किया तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे चिंता ना करो बाबू, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। तुम रुपयों का इंतजाम करके रखो, मैं जल्दी तुम्हें फोन करूंगा। साला भूतड़ी का हमें धमकी देवे है, हुकम सिंह को धमकी देवे है। अरे एक बार वो छोकरी अपने कब्जे में आ गई तो फिर आनंद बाबू की। दीदी अरे कितनी अच्छी लग रही हो, जल्दी करो ना, मंदिर चलना है। मंदिर क्यों? आज के दिन गांव की सारी कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिले, तुम नहीं चलोगी? हाँ हम जरूर चलेंगे। ये हमारे बाबा हैं। कहाँ है वो? अब वो इस दुनिया में नहीं है। जल्दी करो ना। अरे अरे ओए ओए, अरे कौन हो भाई? अच्छा तो अब हम कौन हो गए? अरे वाह, इस पहनावे में कितनी अच्छी लग रही हो तुम। और कहाँ हो तुम, इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा हूँ। हम मंदिर चले गए थे। मंदिर क्यों? गांव की सब कुंवारी लड़कियों ने व्रत जो रखा है हमने भी रख लिया। तुमने भी रख लिया? क्यों? इसलिए कि हमें अच्छा पति मिल जाए। और तुम्हें कैसा पति चाहिए? जो देखने में बहुत अच्छा हो। ठीक है ओके, और? जो हमसे बहुत प्यार करता हो। और? गुस्सा जिसकी नाक पे बैठा हो। ठीक है और? और जिसके पास बहुत पैसा हो। पैसा? पूरे कागज पे लिखवा ले।
राज से प्यार करने लगी है। बता दे उसे कि तू एक राजकुमारी है। अगर यही बात उसे बाद में मालूम होगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। राज भैया, राज भैया। अरे क्या हुआ, क्या बात है दीनानाथ?
कुछ अफसर लोग आए थे। हाँ? जो जमीनें हमें महाराज ने हमेशा के लिए दे दी थी, सुना है वो जमीनें रायगढ़ की राजकुमारी हमसे वापस ले रही है और वहाँ पर एक फैक्ट्री बनाना चाहती है। तो फिर पंचायत को जाकर राजकुमारी से मिलना चाहिए। लेकिन मिले कैसे राज भैया, वो तो किसी से मिलती नहीं और हम महल के अंदर जा नहीं सकते। कुछ तो करो बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, नहीं तो राजकुमारी सारे गांव को बर्बाद कर देगी। राज भैया, हमारी जमीनें चली गई तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप शहर में रहते हैं, हमारे लिए कुछ करो राज भैया। हाँ कुछ तो करो, हम लोगों के लिए कुछ तो करो बेटा। इसका मतलब है कि रानी माँ ने हमें इतने साल धोखे में रखा, इससे पहले कि हम राज को अपने बारे में कुछ बताएं, हमें महल वापस जाना होगा और इन गरीब किसानों की जमीनें वापस दिलानी होंगी। राज भैया, राज भैया, सपना दीदी अपने कमरे में नहीं है, उनके कमरे से ये चिट्ठी मिली है। राज जी, हम जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, हम बहुत जल्द आकर आपसे मिलेंगे। सपना कहाँ गई होगी? राजकुमारी जी, दरवाजा खोलो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? हम सपना है, सपना गंगाराम, हमारे लिए एक कड़क स्पेशल चाय बना के लाओ, मसाले वाली। क्या जी? अरे भाई चाय बना के लाओ। शांता भाई कहाँ है? हमने पूछा शांता भाई कहाँ है। सपना, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, अरे अरे क्या कर रही हो? कहाँ चली गई थी तुम? इस राजघराने की इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं रहा, अगर बाहर के लोगों को पता चल जाता तो क्या होता? अरे रानी माँ कुछ नहीं होता, जिन लोगों की आप बात कर रही है ना, आप उनसे मिलके तो देखिए कितना प्यार, कितना अपनापन है उनमें। ये सब सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ कड़क स्पेशल चाय, कड़क स्पेशल मसाले वाली चाय। जी जी जी। रानी माँ आप भी ऐसे पी के देखिए, चाय का टेस्ट बदल जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं रानी माँ, आप तो यूं ही हमारे सेहत के बारे में परेशान रहा करती थी। बाहर हमने क्या क्या नहीं खाया, चिकन बिरयानी, पाव भाजी, वड़ा पाव, भेलपुरी और पता नहीं क्या क्या, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अब हम रोज यही खाएंगे और आज से उबला हुआ खाना बंद। सपना डांटिए मत रानी माँ। बाय बाय बाय। कुछ देखा? देख रही हूँ, इसकी जुबान बहुत पड़ गई है, काट के फेंक दूंगी। काटने से काम नहीं चलेगा, इसका तो मुंह ही बंद करना पड़ेगा। तुम इधर ही ठहरो, मैं अभी उसको मिल के आता हूँ। राजकुमारी जी, राजकुमारी। हुकुम सिंह जी आइए। अरे सपना बिटिया, तारे को क्या मालूम के तारे जाने के बाद मारी क्या दशा हुई। तारी जान की कसम, रात रात भर चिंता में नींद नहीं आई। रानी जी के सामने तो हमने नहीं पूछा, पर तेने जाना ही था तो हमको बता के जाती। दरअसल आपको बताने का मौका ही नहीं मिला ना। चल बात डाल कुएं में। अच्छा अब ये बता। हाँ? कि तू किधर किधर गई, क्या क्या देखिया? हम आनंद भैया और राज के पास थे, उन्होंने हमें पूरी बम्बई घुमाई, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि क्या बताए। हम उन्हें महल बुलवाएंगे, आपसे भी मिलवाएंगे। राज तो बहुत ही अच्छे हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। हाँ, हमें बहुत पसंद आएंगे। हम तो रात के साथ उनके गांव भी गए थे, क्या नाम था, फतेहपुर। फतेहपुर भी? अच्छा हुआ हम फतेहपुर चले गए, रानी माँ ने हमसे फैक्ट्री के लिए जो पेपर साइन करवाए थे, वहाँ तो लोग रहते हैं, खेती करते हैं। आप ही बताइए, उन गरीब किसानों को बेघर करना क्या अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। हम उन किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाएंगे। क्या वो किसानों की जमीन वापस करेगी? उसकी ये मजाल कि वो हमारे हुक्म को मानने से इनकार करे? इस वक्त कुछ करना ठीक नहीं है रानी जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या कहना चाहते हो, हम उसकी बदतमीजी सहे? वो जो कुछ कर रही है हम उसे करने दे? रानी जी, गुस्सा करने से काम बिगड़ जाएगा, राजकुमारी के साथ हम कोई जबरदस्ती तो करना सके,
वो जो करना चाहे उसे करने दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तारी जान की कसम, तारे इस जाट के दिमाग में बहुत बढ़िया प्लान है। हाँ, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। कितने पैसे दे चुका हूँ उस राजकुमारी के इंटरव्यू के लिए। फोटोग्राफ लेकर आऊंगा, झाड़ू मारते हुए, बर्तन साफ करते हुए। फोटोग्राफ कहाँ है? हेलो हेलो, क्या खबर है जी? मैं आनंद बोल रहा हूँ। हुकुम? हुकुम नहीं जी, बस प्रार्थना है। आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी राजकुमारी को सही सलामत मैन में पहुंचा दिया। जी जी, बस वो तो आपकी इज्जत तो रखनी थी, इसलिए बस वो कर दिया। जैसे तुमने हमारी इज्जत रखी है, हम भी तुम्हारी इज्जत रखेंगे। आपके 2 लाख रुपए जल्दी आपको पहुँच जाएंगे। 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपये? जी जी, ठीक है। किससे पैसे ले रहे हो? किससे पैसे ले रहे हो 2 लाख रुपया? आनंद बता दो मुझे। देखो, इस तरह की चीटिंग मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ। ये ब्लैंक चेक किसके लिए? नौकरों की तनख्वाह वगैरह। इसे भर दीजिएगा। आनंद, ये किसका चेक है? वही आनंद जिसके साथ तुम रही थी बंबई में। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये चेक? दरअसल आनंद बाबू और राज से हमारी पहले ही बातचीत हो चुकी थी कि वो आपकी देखभाल करेंगे और उसके बदले में हम उन्हें 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि हम राजकुमारी हैं। मैंने कहा ना कि हमारी उनसे बातचीत हो चुकी थी, उन्हें मालूम था कि आप राजकुमारी हैं। हम नहीं मानते, झूठ बोल रहे हैं आप हुकुम सिंह जी। अब झूठ सच का फैसला तो कल हो जाएगा। 2 लाख रुपए का चेक लेकर कल हम आनंद बाबू के घर जा रहे हैं, तुम भी चलो। कहिए। हुकुम। हुकुम? हुकुम सिंह। मैं अंदर आ जाऊं? आई ना, आई ना। ये मेरा दोस्त है राज। अच्छी ना? हाँ। देखो जी, आप जवान के पक्के हैं तो हम भी अपनी जवान के बहुत पक्के हैं। ए राजी, आपका 2 लाख रुपए का चेक। थैंक यू, थैंक यू। राजकुमारी जी का इतने दिन ध्यान रखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। रानी साहबा भी आपकी बहुत एहसान मंद है। जी जी। और ध्यान तो आपने रखना ही था जी, हमारी बातचीत तो हो ही चुकी थी इस बारे में। वो तो जी। सपना, तुम राजकुमारी सपना कहो। अच्छा हुआ कि 2 लाख रुपए में हमें आपकी असलियत का पता लग गया। ये तुम क्या कह रही हो? महल की 4 दीवारी से निकलकर हमें लगा था कि बाहर के लोग कितने भले, कितने अच्छे हैं, लेकिन आप तो पैसे के भूखे निकले। क्या किया मैंने? क्या नहीं किया आपने? मेरी सारी उम्मीदें, सारे सपने तोड़ दिए। आनंद जी, आपको दिल से बड़ा भाई माना था, लेकिन आपको बहन नहीं, दौलत चाहिए। पैसा चाहिए ना आपको? कितना पैसा चाहिए? ये ब्लैंक चेक है, जितना चाहो भर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद बाबू। बहुत घटिया आदमी हो तुम, आपसे थोड़ा सा ज्यादा। हट जा मेरे राज से। आनंद, रुक जाओ, मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बात। सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। तूने मेरे साथ धोखा किया है, तुझे तो पता था कि वो राजकुमारी है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं फिर ये? अगर मैंने बता दिया होता कि वो राजकुमारी है तो क्या तुम उसे मोहब्बत करने की हिम्मत करते? और अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती तो सपना ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि वो राजकुमारी है? उसने भी तुमसे झूठ बोला है, उसने भी तुम्हें धोखा दिया है। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन तूने तो सौदा किया है, 2 लाख में मेरा प्यार बेच दिया। देखो राज, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाकर अपनी बहन सीमा की शादी कर सकोगे तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जिंदगी भर भी मेहनत करोगे ना, तभी इतना पैसा नहीं जुटा पाओगे कि सीमा की शादी ढंग से कर सको। तू क्या समझता है कि मैं उन पैसों से अपनी बहन की शादी कराऊंगा? तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। तुम शायद भूल रहे हो कि सीमा तुम्हारी नहीं, मेरी भी बहन है। राज, अगर मुझे वाकई मालूम होता कि तुम सचमुच सपना से मोहब्बत करते हो तो शायद मैं, खैर मेरी वजह से तुम दोनों जुदा हुए ना,
तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को मिलाऊंगा। लेकिन मेरी भूल की इतनी बड़ी सजा तो मत दो, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ प्लीज। बस बेटी बस, तू नहीं जानती तुझे इस तरह रोते देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है। आप ठीक कहते थी रानी माँ, बहुत बुरे हैं बाहर के लोग। भगवान जानता है बेटी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ऊपर जाकर महाराज को क्या मुंह दिखाती। अच्छा हुआ बात 2 लाख में ही टल गई, लेकिन अगर आनंद और राज और भी मांगते ना। मत लीजिए हमारे सामने उनका नाम, नफरत है हमें उनसे। मुझे प्यार करेगा, मुझे प्यार करेगा, हाँ मेरे साथ चलेगा, कहाँ वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ। मैं उसको जन्नत कहती हूँ। मुझे प्यार करेगा, हाँ मेरे साथ चलेगा, कहाँ प्यार करेगी, हाँ मेरे साथ चलेगी, कहाँ वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। मैं उसको दुनिया कहता हूँ। कुछ है तेरे पास फिर भी है दिल में प्यास। मुझे प्यार करेगी, हाँ मेरे साथ चलेगी, कहानी है। तू मेरी दीवानी है, ये सच्चिया कहानी है। मैं गलियों का राही हूँ, तू महलों की रानी है। तेरे सर पे रखती हार, पूछू मैं एक बार, तेरे सर पे रखती हार, पूछू मैं।
सपना तो ये सपना नहीं जानम, तू छू के मुझे दे हम हो गए हैं, तू छू के मुझे दे हम हो गए हैं, मुझे प्यार करेगा हाँ, मेरे साथ चलेगा कहाँ वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, मैं उसको जन्नत कहती हूँ, मुझे प्यार करेगी हाँ, मेरे साथ चलेगी जहाँ मैं रहता हूँ, मैं उसको दुनिया कहता हूँ। अरे राज, मैं तुझे कहां कहां ढूंढ रहा हूं यार। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे सपना से मिलवाऊंगा, कल हम महल जा रहे हैं। नहीं आनंद, अब मुझे सपना से नहीं मिलना। राज तू अब तक मुझसे नाराज है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तूने तो ठीक ही कहा था, कहां एक राजकुमारी और कहां मैं एक मामूली आदमी। प्यार की नगरी में कोई राजा नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई राजकुमारी नहीं, कोई मामूली आदमी नहीं, सब प्यार करने वाले होते हैं। और फिर तू क्या चाहता है कि वो सारी जिंदगी ये सोचती रहे कि तू पैसों का लालची है, मोहब्बत का सौदागर है। उसकी ये गलत हमें दूर करना बहुत जरूरी है। और फिर हो सकता है वो सचमुच तुझसे प्यार करती हो। राजकुमारी जी, क्या कारण है कि आपने अपने जन्मदिन की पार्टी कैंसिल कर दी? हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी या कोई और वजह थी? और क्या वजह हो सकती है? हो सकता है आप महल में ही ना हो। आपने अभी सुना ना कि हम महल के बाहर कभी नहीं गए। राजकुमारी जी, हमने सुना है कि महाराज की वसीयत के मुताबिक आप इस साल शादी करने वाली हैं। आपने ठीक सुना है। कब करेंगे आप शादी? जब करेंगे आपको जरूर बुलाएंगे। जी शुक्रिया। आप किससे शादी करेंगे? हम राजकुमारी हैं, जाहिर है हमारा होने वाला पति भी कोई राजकुमारी होगा। राजकुमारी जी, अगर आपको किसी मामूली आदमी से प्यार हो जाए तो? हम जिसे प्यार करेंगे वो मामूली नहीं हो सकता। आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? हाँ, हम बहुत खुश हैं। आपकी नजर में खुशी क्या है? हम समझते हैं कि बाहर के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, इस हिसाब से तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। एक राजकुमारी और एक मामूली लड़की में क्या फर्क है? राजकुमारी की अगर कोई मदद करता है तो बदले में इनाम की उम्मीद रखता है, उसे बहुत कुछ मिलता है, लाखों रुपए भी। राजकुमारी बस जी। अब राजकुमारी सपना आराम करेंगी। प्लीज नो मोर क्वेश्चंस। राजकुमारी जी, मेरी तरफ से एक मामूली सा तोहफा। इस वीडियो कैसेट को जरूर देखिएगा। मेरा दावा है कि इसे देखने के बाद बाहर की दुनिया के बारे में आपकी राय जरूर बदल जाएगी। राजकुमारी जी, ये इसमें ये राजबाबू, आपका लफाफा हम पहुंचा देंगे।
ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हारी आंखों में आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते। जो हुआ उसे भूल जाओ अब। अगर भुलाना इतना आसान होता तो याद ही क्यों आती रानी माँ? आंसू पोंछ ले बेटी, नहीं तो महाराज की आत्मा को दुख पहुंचेगा। अच्छा बेटी, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तभी महाराज ने अपने बहुत ही करीबी दोस्त के बेटे शक्ति सिंह के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी थी। महाराज की वसीयत के मुताबिक तुम्हें इस साल शादी करनी ही है। वो तो अपने हाथों से तुम्हारी डोली उठाना चाहते थे लेकिन भगवान ने महाराज को ही उठा लिया। नहीं नहीं रानी माँ, आप मत रोइए। बेटी हम ये चाहते हैं कि हमारे मरने से पहले हम महाराज का दिया वचन पूरा कर दे, ताकि मैं ऊपर जाके उनसे कह सकूं कि मैंने उनकी बेटी की शादी वही की जहां वो चाहते थे। बेटी महाराज के वचन की लाज रख लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कीजिए रानी माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसे होगा। जीती रहो बेटी, जीती रहो, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा सुनो, शक्ति सिंह यहाँ कुछ दिनों के लिए आ रहा है, हम चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लो। चरण स्पर्श रानी माँ। जीते रहो राजकुमार। आपने हमें यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आभारी तो हमें आपका होना चाहिए राजकुमार। राजकुमार नहीं रानी माँ, हमने आपको माँ कहा है, आप भी हमें बेटा कहकर बुलाइए। अच्छा बेटे चलो इनसे मिलिए। आप हैं दीवान जी। नमस्कार। और ये हैं हुकुम सिंह जी। हेलो, बहुत नाम सुना था आपका, आज दर्शन भी हो गए। ये तो तारा बड़प्पन से, नहीं तो तारे सामने हमारी क्या औकात होगी। आप इस महल के कितने वफादार हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इनसे मिलो, ये हैं। रानी माँ, इनका परिचय कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सितारों की भीड़ चाहे कितनी भी हो चांद तो अलग से ही दिखाई देता है। ये राजकुमारी सपना है भाई। मान गए राजकुमार जी। अंदर चले बेटे। चलो। राज, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं, तुमने आज का अखबार देखा? जानता हूं सपना की सगाई हो रही है। और तुम यहां चुपचाप बैठे हो? क्या करूं यार, उसने तो मेरे खत का जवाब तक नहीं दिया। अरे भाई, हो सकता है उसे खत ना मिला हो। लेकिन वीडियो कैसेट तो खुद उसने टेरे से लिया था। उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है, मुझे तो लगता है तुम्हें उसे एक बार मिल लेना चाहिए बस। नहीं यार, अब बहुत देर हो चुकी है, वो जहां भी रहे खुश रहे। आप तुम लोग जाओ यहां से, हमें अकेले रहना है। सपना, सपना प्लीज टीवी बंद मत करना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अपनी आवाज तुम तक पहुंचाने के लिए मैंने ये रास्ता अपनाया है। मैंने तुम्हें ये खत भी लिखा है, अगर तुम्हें ये खत ना मिले तो प्लीज ये वीडियो कैसेट देख लेना, क्योंकि सच्चाई तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि तुम राजकुमारी हो। मैंने तो तुम्हें एक मामूली लड़की समझकर प्यार किया है। हाँ आनंद ने जो कुछ भी किया मुझे उसका बड़ा दुख है, मगर मैं उसे भी दोष नहीं देता। सीमा की शादी के लिए उसने ऐसा किया, और फिर उसे यह भी नहीं पता था कि हमारी मुलाकात मोहब्बत में बदल चुकी है। खैर, मैंने वो दोनों चेक इस खत में रख दिए हैं, लेकिन मैं वो 500 रुपए का नोट नहीं वापस कर रहा हूं, क्योंकि उस नोट से मेरी प्यार की यादें जुड़ी हैं। मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया है सपना, और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन आज के बाद मैं कभी किसी का नाम और काम पूछे बिना घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा। बाय। राज
तुम्हें कौन? सदके जाऊं मेरे लाल पे, जीवड़ा खुश कर दियो। अरे बेटा शक्ति सिंह, तू तो सच्ची मुच्ची का प्रिंस लगे से। नो सच्ची मुच्ची का प्रिंस डैड, आई एम अ रियल प्रिंस। अरे तेरे को कितनी बार बोला है कि इस कमरे में आकर अंग्रेजी मत बोला कर, एक इटर पिटर मेरे को समझ में नहीं आवे। अरे बापू, अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, ऐसा स्टाइल नहीं मारूंगा तो प्रिंस कैसे लागूंगा। ये बात भी ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इतनी यसनों करनी तो मेरे को भी आवे है। बेटा अब तू बन जावेगा प्रिंस और मैं बन जाऊंगा राजा, फिर इस महल के अंदर हुकम सिंह का ही हुकम चलेगा। कैसे चलेगा? अरे बापू, मेरे ब्याह के बाद तो सपना का हुकम चलेगा। अरे मेरे बछड़े, तू बहुत बूढ़ा से, शादी के बाद राजकुमारी बन जाएगी तेरी पत्नी, और पत्नी के मर जाने के बाद जायदाद का कानूनी वारिस कौन? इधर तू रंडवा हुआ और उधर सारी जायदाद तेरी। पर बापू, वो छोरी मरेगी कैसे? अरे मारे देश में रोज कितने ही एक्सीडेंट होवे, एक एक्सीडेंट और हो जावेगा। पर बापू, रानी माँ का क्या करेंगे? अरे उस साड़ी लुगाई की फिक्र ना कर, वो तो तेरे बापू की मुट्ठी में है, लेकिन अगर उसने भी कोई तड़क मड़क दिखाई ना तो उसका काम भी तमाम कर दूंगा। बस एक बार तेरी शादी सपना के साथ हो जावे। वाह बापू वाह, बाप हो तो तारे जैसा। वाह मेरे लाल, बेटा होवे तो तारे जैसा। बेटा अब तू जल्दी से अपने स्टाइल में आ जा, लोग नीचे तेरा इंतजार कर। तुम्हें तो तैयार होके आना चाहिए था, लोग क्या कहेंगे? I'm sorry, रानी माँ, हम सबसे माफी मांग लेते हैं। लेकिन सपना, हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमारी सगाई आज नहीं होगी। हमारे इस फैसले से आप सब हैरान तो होंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि बगैर दूल्हे के किसी लड़की की सगाई नहीं होती। सपना बिटिया, के बोल रही से? ए है ना तेरा दूल्हा? ये हमारा होने वाला पति नहीं, हम जिसे शादी करना चाहते हैं वो शायद हमसे नाराज है, इसीलिए यहाँ नहीं आ सके। मगर वो है कौन? कहाँ का राजकुमार है? वो कहीं का राजकुमार नहीं, एक मामूली आदमी है। मगर उस दिन तो आपने कहा था कि आप किसी राजकुमार से शादी करेंगी, किसी मामूली आदमी से नहीं। दुनिया की नजरों में वो एक मामूली आदमी है, मगर हमारे दिल के राजकुमार है। ये महल, ये रियासत, ये दौलत हमें घुटन का समंदर तो दे सकते हैं, मगर प्यार की एक बूंद भी नहीं। हमारी शादी रात से होगी, यही हमारा फैसला है। आनंद भैया, हमें राज के पास ले चलिए। रुक जा बेटा, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अखबार वाले, पुलिस वाले, इस टाइम पे कोई भी हरकत करना ठीक नहीं है, अभी जाने दे। कितनी बार कहा है कि नाम और काम पूछकर दरवाजा खोला करो? आप रो रहे हैं? Oh,
शिकायत है, आंखों में शरारत है, इस प्यार में दोनों की एक जैसी हालत है। देखे हैं, राजकुमारी सपना से शादी करेगा। मारो साड़े को।
को ऊपर। हम दो साले को पहाड़ी के नीचे। बोला ना हम शादी नहीं करेंगे, आप लोग जबरदस्ती हमारी शादी नहीं करवा सकते। खामोश, हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है तुम्हें। मंगनी के दिन सबके सामने हमारा सर झुका दिया, इस राजघराने की नाक कटवा दी तुमने। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये मत भूलो सपना कि शक्ति सिंह से तुम्हारा रिश्ता महाराज ने खुद तय किया था। लेकिन रानी माँ, ये कोई राजकुमार नहीं है। आप नहीं जानती रानी माँ, ये हुकुम सिंह का बेटा है। नकली राजकुमार बन के हम सबको धोखा दे रहा है। हमने अपने कानों से सुना है कि शादी के बाद हमें मार डालेगा। अरे सपना बेटी, ये किसने तारे कान रखे? रानी माँ, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसे अभी महल से बाहर निकाल दीजिए। आप नहीं जानती रानी माँ, हमें मारने के बाद ये आपको भी मार डालेगा। खामोश, बोलने दो इसे। आप नहीं जाने रानी जी, ये झूठ बोलकर हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। सपना, हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। अकेले में अब बात ना हो सकेगी रानी, जो होगी सबके सामने होगी। हुकम सिंह, अपनी औकात में रहो। हुकम सिंह औकात पे आ गया तो तारा क्या होगा रानी? हमसे बगावत करने का अंजाम जानते हो? जानू, जेल होगी ना, पर तू भी नहीं बचेगी। महाराज को मारने का हुक्म तो तूने दिया था। हाँ, तारे बाप को मारने का हुक्म इसने दिया था। जबान संभाल के बात करो हुकम सिंह। ए रानी, जबान संभाल कर तू बात कर मेरे बापू से। रानी माँ, आपने हमारे बाबा को ऐसा क्यों किया? आपने रानी माँ क्यों किया? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और अगर हमारे साथ जबरदस्ती की तो अपनी जान दे देंगे हम। के गजब कर रही से सपना बिटिया, अगर तय मर गई तो इस बुढ़ापे में ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे महाराज। जिस दौलत की खातिर तू महाराज को मरवा सके, उसी दौलत की खातिर ये जाट बुद्धि महाराज को बचा भी सके। हमारे बाबा जिंदा है, भगवान के लिए हमें हमारे बाबा से मिलवा दीजिए। मिलवा देंगे, जरूर मिलवा देंगे सपना बिटिया। हमें हमारे बाबा के पास ले चलिए। हाँ ले चलेंगे, हमें मालूम था कि एक दिन बुड्ढा हमारे बहुत काम आएगा। कौन कौन है? सपना। सपना, आपकी बेटी बाबा। सपना, मेरी बच्ची। बाबा, बाबा! छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो उसे। जल्दी चल गड़िए गड़िए, मुझे भूत से मिलना है। बैठ दे टके, भूत को क्यों याद करता है? भूत तेरा प्यो लगता है? नहीं नहीं, यार से मिलना है, यार से मिलना है, यार से मिलना है। उस्ताद जी, ये भूत क्या दिन में भी होते हैं? आओ, बहुत होते हैं। फिर दिखाई क्यों नहीं देते? आईना दिखाऊं? अभी दिख जाएगा। नहीं नहीं, डर जाऊंगा। पैर दे टके, भूत का नाम लिया, तेरा बेहो आ गया। एलिफेंट मांगने का कौन सा तरीका है? उठाए, जवाब नहीं देता, देखते लो क्या गड़बड़ है। अरे ये तो कोई बाहू है। हाँ? बेहोश है, क्या करें? हॉस्पिटल ले चले। हॉस्पिटल? हाँ। नहीं नहीं हुकुम सिंह जी, अब आप जो चाहेंगे हम करने को तैयार हैं, बस हमारे बाबा को छोड़ दीजिए। तब ठीक है, कल ही मेरे बेटे के साथ शादी करनी होगी। लेकिन लेकिन आपको हमारे बाबा को छोड़ना होगा। शर्त ना रखो राजकुमारी, शर्त ना रखो। अब तारी कोई शर्त नहीं चलेगी, अब तो हुकम सिंह का हुक्म ही चलेगा।
ये जिंदगी एक शतरंज का खेल है जिसका राजा मारे हाथ में है और जिसके पास होवे राजा जीत उसी की है। हुकम सिंह जी, राज सपना से मिलने आया है। राज बच गया? लेकिन अब नहीं बचेगा। मेरी होने वाली बीवी से मिलने आया है, आज मैं उसे जिंदा इसी महल में काट दूंगा। नहीं नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, राज को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। अगर अपने मजनू को बचाना चाहे तो फौरन उसे महल से बाहर निकाल दे। और सुनो, अगर उसने फिर तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसके इतने टुकड़े। हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद राज हमसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सपना, सपना, सब मैं तुम्हें लेने आया हूं सपना, चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? यह हक किसने दिया तुम्हें? तुम नहीं जानती तुम कितनी बड़ी साजिश का शिकार हो। इस महल में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, यहां तुम्हारी जान को खतरा है। यह हुकम सिंह तुम्हारी जान का दुश्मन है। खामोश, ज़बान संभाल कर बात कीजिए। हुकम सिंह जी इस महल के सबसे पुराने वफादार हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुमने अगर अपने घर में रखकर हम पे एहसान ना किया होता तो इस बदतमीजी के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करते। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो? साल याद है? मेरा प्यार याद नहीं तुम्हें? प्यार? दो दिन तुमसे हंस के बात क्या कर ली? तुम उसे प्यार समझ बैठे? How stupid! जिसका बाप इस महल का एक मामूली सा नौकर था, वो आज इसी महल का राजकुमार बनने का ख्वाब देख रहा है। आप भी औकात में रहकर देखना चाहिए राज। अच्छा वो तुमने मेरी औकात बता दी। सारी जिंदगी इस महल में दौलत से खेलती रहना, प्यार की एक एक बूंद को तुम तरसती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें प्यार कभी नसीब नहीं होगा। ओहो, तो मोहब्बत का मातम मनाया जा रहा है। देखो, मुझे ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? हंसने का अधिकार तो छीन चुके हो हमसे, अब रोने का अधिकार भी छीनना चाहते हो? लेटी रहो, अच्छी लग रही है। खूबसूरत जिस्म सब सिर्फ मेरे लिए। शक्ति सिंह, ये क्या हो रहा है? प्यार, अपनी होने वाली बीवी को प्यार करना सिखा रहा हूं। होने वाली है, अभी हुई नहीं, चले जाओ यहां से। ओके, शादी के बाद सही। बाय बाय स्वीट हार्ट, बाय 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 रानी मां। एक बात पूछू रानी मां, सौतेली मां सौतेली क्यों होती है? सिर्फ मां क्यों नहीं होती? उसके सीने में प्यार क्यों नहीं होता? ममता क्यों नहीं होती? कैसी औरत है आप? आपने हमारे बाबा को इतने सालों कैद कर रखा, पूछ सकती हूं क्या गुनाह था उनका?
यही कि उन्होंने आपके गले में मंगलसूत्र डाला। बहुत बदनसीब हैं आप कि बेटी के होते हुए भी आपकी गोद सुनी रही और पति के होते हुए भी आपकी मांग सुनी रही। ऐसा मत करो मां कि हर औरत इस बात में शर्मिंदा रहे कि इस धरती पर आप जैसी औरत ने भी जन्म लिया था। ऐसा मत करो मां, ऐसा मत करो। मत भूलो राज कि हुकम सिंह तुम पर एक बार पहले भी हमला कर चुका है। उसे सपना को धमकी दी होगी कि तुम्हें मार डालेगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि सपना इस तरह की लड़की है? हेलो, हम महारानी रायगढ़ बोल रहे हैं। रानी साहिबा, तू बूढ़ा है, बूढ़ा इतना भी बूढ़ा नहीं। अब ओवर एक्टिंग मत कर, लोग याद है ना, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अगर नौबत आ गई तो धोनी याद है, बोल बोलेंगे। अरे बेटा, वो वकील आया कि नहीं? वकील तो कब का आ गया बापू, और वो पंडित का बच्चा किधर मर गया? पंडित बच्चा आ गया जजमान, पंडित बच्चा तुम यहाँ भी जाओ। ए बच्चा है क्या? अरे इससे बुड्ढा पंडित नहीं मिला तुमको? जजमान, पिताजी के पिताजी आने वाले थे शादी कराने, लेकिन वो हो गए बीमार। तो क्या इसके भी पिताजी हैं? जजमान, इनके ताया जी भी हैं, ताया जी के दादा जी भी हैं। बस चलो बैठा उस बुड्ढे को। कहाँ है? चलो जल्दी करो। अरे ये रही दुल्हन, दुल्हन जल्दी शुरू करो। अरे क्या कर रहे हो? हम दुल्हन के सामने हमेशा पहले ऐसे ही नाचते हैं। अरे नाचना वाचना बंद करो, पहले बैठो, काम शुरू करो। चलो चलिए, बैठो बैठो बैठो, इसे बैठाओ, बैठाओ उधर। पिताजी चलो उधर। ओम दूल्हा का है जी, दूल्हा का है, दूल्हा का है। अरे दूल्हा है, जरा बैठा, बैठ इधर। दूल्हा का है, बैठ, दूल्हा का, बैठ जा। काला कौवा नहीं चाहिए, दूल्हा चाहिए, काला कौवा नहीं। हे पंडित जी, मैं हूँ दूल्हा। घोर काली, घोर काली। मतलब मतलब ये कि दूल्हा अगर ये है तो दूल्हा तो बनाइए। अरे शादी के बाद तो दूल्हा बन ही जाएगा, पहले शादी तो कराओ। यजमान, शास्त्रों के अनुसार अगर ये शादी इसके दूल्हा बने बगैर हो गई तो 7 दिन के अंदर ये कन्या विधवा हो जाएगी। अरे होने दो विधवा। अरे बापू, इन बुड्ढों का मतलब से मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, तू काहे को मरेगा? तू ऐसा कर, दूल्हा बन जा, तू बनाओ जी इसे दूल्हा। अरे जजमान, ये कार्य इस कमरे में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए इसके कपड़े उतारने पड़ेंगे, और शादी करने से पहले कन्या के सामने वस्त्र ही नहीं होते, अर्थात ये कार्य, ये क्रिया किसी और कक्ष में संपन्न करनी होगी। बेटा तू इन्हें अपने कमरे में ले जा, जा रही मैं अभी। कपड़े बदलवाने के पैसे अलग से लगेंगे। अरे डबल पैसे तुझे मिल जाएंगे, तू काम तो शुरू कर। अरे घंटे को रख नीचे, चल इस घर में। अरे इसे छोड़ ना, ओहो शादी तो शुरू कर। चलिए पंडित जी, जल्दी से बनाइए मुझे दूल्हा। बेटे अब ये तुम्हें बनाएगा दूल्हा, दूल्हा, दूल्हा। अबे उल्लू के पट्टे, अब हम बनेंगे सपना के दूल्हे। वैसे मैं शादी के अलावा श्राद्ध भी करवाता हूँ, आपको करवाना है तो बताओ। अरे तुम पहले शादी तो करवाओ। अच्छा अच्छा, कन्या का नाम क्या है? सपना। मेरा नाम हकीकत है। और जिस कोने में बैठी है वो कन्या आप बड़ी बेटी है? अरे नहीं, वो यहाँ की रानी माँ है। अच्छा अच्छा, रानी माँ है। आ गया दूल्हा, ये दूल्हा। अरे आओ बेटा, आओ, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा। अरे दूसरे पंडित जी किधर है? शादी के वक्त कैसी बातें करता है? चलो कन्या का हाथ अपने हाथ में लो। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भाई कन्या को गुरु दक्षिणा दो, 500 रुपए का नोट। आनंदी आनंद बेटी, राज करोगी सब। अब कन्या का हाथ अपने हाथ में लो। चलो जल्दी करो पंडित जी, जल्दी करो। हाँ जी हाँ जी, घंटी नहीं बज रही है पंडित जी। हाँ बज रही है, सब कुछ बजेगा। चलो जल्दी करो पंडित जी, ज्यादा जल्दी तो मेरे को है। अब पढ़ता हूँ मंत्र में पास। क्या तुम क्या चिंपिया ले बोले बोले दुष, अरे दो लेने वाले चले आप बता बता दुष, अरे गिले आप दो दिया बता दुष, दो ले आप लोग गंटी दुष, अब दाजू प्याले ले आप दुष, अरे आज भाई ऐसा बैंको पंडित जी, जल्दी मंत्र पढ़िए पंडित।
शादी हो गई जी। रोको ये शादी रोको। खबरदार चमचे से कहो बंदूक के नीचे करो। आनंद तू सपने को लेके भाग कैसे? चल ये कैसे भागेगा, ये तो चल भी नहीं सकता। अरे अब बुड्ढे की दौड़ दे। अरे पकड़ो, हमारी राजकुमारी को लिए जा रहे हैं। मार डालूंगा तुम्हारे मुंह में। क्यों कह रहा है? उधर क्या देख रहे हो? तुमसे कह रहा हूँ इधर देखो। अच्छा, मेरी बेटी कब से इंतजार कर रही है तुम्हारे मुंह में कि पंडित जी आएंगे, उसकी शादी होगी। दो घंटे लेट तुम्हारे मुंह में हो जाए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सरदार, मगर क्या है कि गुंडा मेरे पीछे पड़ा कहता कि पहले मेरी कन्या का विवाह करो, पहले मेरी कन्या का विवाह करो। और ये कौन है तुम्हारे मुंह में? इन दोनों की भी शादी करवानी, कब से तैयार होकर घूम रहे मेरे पीछे पीछे। मगर मैंने कह दिया कि पहले सरदार की कन्या का विवाह होगा। लेकिन गुंडों का क्या होगा सरदार, वो पीछे पीछे। ये
ये वो गुंडा है जो मेरी बेटी की शादी नहीं होने दे रहा है। अरे इससे तो मैं बात में निपट लूंगा, पहले मेरी बेटी की शादी हो जाए तुम्हारे मुंह में। आ जाओ। अच्छी है। ये मेरी बेटी है आपकी मुंह। ये पंडित जी है, क्या कर रही है? कबीले वालों, ये हमारे कबीले की परंपरा है कि हमारी बेटी जिसके गले में माला डालेगी उसके साथ इसकी शादी हो जाएगी आपके मुंह। देखिए मुंह में आपका धमाल। बधाई हो, किस बात की? कहो तो शादी कर डालू। कर डालो तुम्हारे मुंह में। अग्नि की जरूरत नहीं, शादी हो गई। निकल कर भाग ना पाए तुम, चलो बहुत बताया तुमने हमको। अरे क्या हो रहा है तुम्हारे मुंह में? खबरदार, अब तारी होशियारी नहीं चलेगी। तुमने हुकम सिंह का बहुत बेवकूफ बना लिया। चल मारे साथ। चल। हुकम सिंह सपना को छोड़ दे। पहला पंडित देखा जो शादियां भी कराता गोलियां भी चलाता आपके मुंह में। ये आवाज काहे की? राजा को देखते ही पलट गई। बाबा, बाबा, नहीं बेटी। जान की कसम, मैं अकेला इस दुनिया से ना जाऊं। हम आपकी माफी के भी हकदार नहीं है। भगवान मुझे माफ कर देना, मुझे माफ। ओए लच्छू। हाँ जी। ये तो अपना लिफ्ट वाला बाबू है। जी, तुम मेरा बेटा है। बेटा? हाँ, मेरा बेटा जो
मेले में खो गया था मेरे मुंह में। वो तो मेरा बेवा है। बेटा, तेरे तीन और भाई थे जो मेले में खो गए, अभी तक उनका पता नहीं है तेरे मुंह में। भले भले बाबू, तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर तीनों को ढूंढ लेंगे। ओम नमला, शादी हो गई, चलो चलो जाओ जाओ जाओ। हाँ जी, और कोई है? ओम नमः शिवाय। चलो जी। आनंद आनंद ही आनंद। वो इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लिया। मैंने इंटरव्यू लेना बंद कर दिया है, इस धंधे में ज्यादा फायदा है, शादी करवाता हूँ आप में। मेरे पैसों का क्या हुआ? बुश, ओम नमः शिवाय। क्लिंटन प्रणाम महाराज। महाराज, मैं राज हूँ, आपके वफादार मनोज सिंह का बेटा। हम जानते हैं बेटा। आगे महाराज। सीमा, सीमा पानी दो। अब हम राजकुमारी नहीं है, वो महल और रियासत सब छोड़ा है हम।